असद को जब से वफा पर शक होता है वो उसके बाप से मिलता है ताकि सच जान सके लेकिन उसे यह भी पता होता है उसका बाप बहुत ही ज़्यादा लालची है इसलिए जैसे ही वह उसे मिलता है उसके साथ है यही करता है अगर वो शहर के बारे में उसे सब कुछ सच सच बता देगा तो वो उसे पैसे देगा शहर का बाप पैसे को देखकर तो किसी का भी नहीं बनता इसलिए वो असद को बता देता है कि शहर की माँ जिंदा है वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर उसकी माँ कौन सी है तो वो बताता है वही औरत जो तुम्हारे घर में काम कर रही है ये जानकर असद और भी हैरान होता है और घर जाकर सबसे पूछता है कि आप लोगों को पता था ये शहर की माँ है तो उसे कहते हैं हाँ हमें मालूम था शहर को भी अंदाज़ा हो जाता है असद अब उसके ऊपर शक कर रहा है इसलिए वह शिजा के बाप के पास जाकर रोती धोती है और उसे यही कहती है उससे एक बार फिर से तो धोखा दिया जा रहा है और लगता है असद उसे घर से निकाल देगा तब शिजा का बाप उसे यही कहता है फिक्र ना करो जिस दिन तुझे असद घर से निकालेगा मैं उसी दिन तुम्हें अपनी पनाह में ले लूँगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा और सहर, और शहर तो चाहती ही यही थी कि असद से जान छूट जाए क्योंकि उसने असद से जो कुछ लेना था ले चुकी होती है और अब वो सिज़ा के बाप से दौलत हासिल करना चाहती है